नमस्कार दर्शक बंधु, स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु सुचरिता। फेब्रुआरी 15 रे सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन बॉन्ड योजना बातिल करिसथि। एही योजना सूचना अधिकार को उल्लंघन करुछि बोली कहिसथि सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक पांठि रे स्वच्छता आनिबा पई राजनीतिक दल मानकु दिया जाउथबा नगद चांदा को बदलाय पई एहा 2018 मसिया रे आरंभ करा जाइतिला। तेबे आसंतु बुझिबा निर्वाचन बॉन्ड कोन एवं एहाकु सुप्रीम कोर्ट काहिंकि बातिल कले। निर्वाचन बॉन्ड हेउछि एक टंका दान करिवार माध्यम, जहां व्यक्ति एवं कंपनी मानकु सेमानकर परिचय प्रकाश नकरी राजनीतिक दलगुडीकु अर्थ प्रदान करिवाकु अनुमति देथाय। 2017 रे बजेट अधिवेशन रे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली एही योजना उपस्थापन करथिले। केन्द्र सरकार एहाकु 9 जानुअरी 2018 रे कार्यकारी करथिले। आपण निर्वाचन बॉन्ड माध्यम रे देशर जे कोनोसी राजनीतिक दल को दान करि परिबे, एथिपई आपणकु बॉन्ड करबाकु पडिबो। आपण एही बॉन्ड गुडी को केवल सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI रु किणि परिबे। आपण अन्य कोनोसी बैंक रु निर्वाचन बॉन्ड किणि परिबे नाही। निर्वाचन बॉन्ड मध्य एही सुविधा जोगाई थाए, जहां किए दान करिछि केऊ दल को एवं केते दान करा जायछि ए सब को गुप्त रखे। किए यहाँ को दान करिछि ताहा मध्य दल जानी पारे नाही। हाँ, किंतु SBI यहाँ विषय अवगत थाए केऊ दल किए केते दान करिछन्ति ताहा निर्वाचन आयोग किंबा साधारण जनता जानी पारिबे नाही। हाँ, आउरी मध्य एही बॉन्ड टैक्स रो अधीन रे आसे नाही किंबा एहा उपरे कोनोसी सुध दिया जाय नथाय। यह व्यतीत यह मध्य विश्वास करा जाए जदि केही विरोधी दल को अधिक दान करती तेबे शासक दल तांको हैरान करि पारे, यहार विपरीत मध्य होई पारे। तेणु चांदा दातांकर सूचना को गुप्त रखिबा को निष्पत्ति निया जाइथिला। आसंतु जानिबा निर्वाचनी बॉन्ड किपरि किणा जाए। धरा जाउ आपण एक राजनीतिक दल को 10,000 टंका दान करबा को चाहुछंती। एथिपई आपण SBI रो जेकोसी शाखा को कहिबे जे आपण एक निर्दिष्ट पार्टी को 10,000 टंका दान करने को चाहती। यापर आपण को बैंक रे 10,000 टंका जमा करने को पड़ एवं यार प्रतिबदल आपण को 10,000 टंकार बॉन्ड मिल। यापर राजनैतिक दल यही बॉन्ड पाई बॉन्ड को रिडीम करने दल को मात्र 15 दिन समय मिल। जदि दल 15 दिन मध्य रिडीम कै तेबे बैंक रे जमा होइथिबा सही टंका दलर अकाउंट को जीवो। जदि दल 15 दिन मध्य बॉन्ड रिडीम करि पारे नाही तेबे आपणकर जमा होइथिबा टंका सीधा सड़क प्रधानमंत्री को रिलीफ पांठि को चली जीवो। आपण कोनोसी पार्टी को मन इच्छा राशि दान करि पारिबे नाही। निर्वाचन बॉन्ड अंतर्गत दानर परिमाण स्थिर होइछि। एही बॉन्ड गुडीकर मूल्य होउछि 1,000 टंका, 10,000 टंका, 1,00,000 टंका, 10,00,000 टंका एवं 1 कोटी। किंतु आपण जदि चाहिबे तबे एकाधिक बॉन्ड भी किणि पारिबे। देशर जे कोनोसी राजनीतिक दल दान ग्रहण करि पारिबे नाही। केवल सेही दल गुडीक निर्वाचन बॉन्ड माध्यम रे दान ग्रहण करि पारिबे जो दल लोक अधिनियम 1951 रे पंजीकृत होइथिबे एवं लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन रे सेही दल अति कम रे 1% भोट पाई। यहाँ पूर्वरु जो मैंने 20,000 टंका पर्यंत नगद दान करिथिले सेमानकर सूचना गुप्त रखा जाउथिला। जो मानक ठारु अधिक दान मिलुथिला सेमानक सूचना निर्वाचन आयोग को दिया जाउथिला। परे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली 20,000 रु 2,000 टंका सीमा को ह्रास कर देथिले। अर्थात जो मैंने 2,000 टंका पर्यंत नगद दान करथिले सेमानक सूचना गुप्त थिला एवं सेही राशि रु अधिक दान करथिबा व्यक्तिक सूचना निर्वाचन आयोगक निकटर थिला। किंतु वर्तमान आसीथिबा निर्वाचन बॉन्ड रे समस्तक सूचना गुप्त रहिछि एवं निर्वाचन आयोगक मध्य एही सूचना दिया जाय नाही। निर्वाचन बॉन्ड योजना कार्यकारी हेबा मात्रे एहा विरोध रे कोर्ट रे अनेक पिटीशन दाखल करा जायथिला। दान देउथिबा लोक ओ कंपनी रो अंशीदार माने मध्य जानिबा उचित दे सेमानकर कंपनी क्यों पार्टी को दान करुछि बोली एहा दाबी उठिला। मार्च 6 सुधा बैंक को
निर्वाचन संस्था को देबाको थिबा निर्वाचन बॉन्ड संबंधी समस्त सूचना देबाको सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को निर्देश देछंती, जहां परे निर्वाचन आयोग एहाकु सार्वजनिक करबा उचित बोली निर्देश देछंती। जेतेबेले कांग्रेस संसद रे पचारिछि जे ए पर्यंत केते निर्वाचन बॉन्ड जारी करा जाइछि, एने शासक दल फेब्रुवारी 5, 2024 रे उत्तर देथिले जे मोट 16,518 कोटी टंका मूल्यर मोट निर्वाचन बॉन्ड जारी करा जाइछि, आ सेथिमध्यरु अधिकांश बॉन्ड बीजेपी को दिया जाइछि। स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछि, नमस्कार।